हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पावटी रोड, स्मालखा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 4th, एक्सरसाइज 3.1। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन रोमन सिस्टम। सो द ऑप्शन इज 7। सो हाउ मेनी सिंबल्स 7 आर देयर इन रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, इन रोमन न्यूमरल सिस्टम एल स्टैंड्स फॉर विच हिंदू अरेबिक नंबर न्यूमरल। सो आंसर इज 50। क्लियर, सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन 7 एंड 50 सी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल्स। रिपीटेशन होता है, दैट मीन्स एडिशन। क्लियर, when a smaller roman numeral is written on the left of a greater numeral number it means subtraction। like अगर हम 30 का साइन बनाते हैं या 20 का या 90 का, तो अगर हम उसके लेफ्ट साइड में माइनस वाला लिखते हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे 19 का साइन आ जाता है, 19 बन जाता है वो नंबर, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो हियर, अच्छा मैं आपको यहाँ नंबर्स राइट करके दिखाती हूँ, रोमन नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी अच्छा देखो यहाँ पर सेकंड लिखा है ना, ये सेकंड, तो सेकंड कहाँ से मैच होगा, इस वाले ऑप्शन से, 5, 5 इस ऑप्शन से, दिस इज़ 10, सो हेयर 10 एंड डी। डी मीन्स क्या होता है, पहले सी देखेंगे। देखो एल होता है आपका 50 एंड सी होता है आपका 100। सी क्या होता है आपका 100 एंड डी क्या होता है आपका, डी मीन्स 500। क्लियर है, ये आपका रोमन नंबर्स है, इनको आपको याद रखना है, जो कि मेन है। ठीक है, 10 तक आपको आना चाहिए, एल पता होना चाहिए आपको, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100 एंड डी मीन्स 500। ठीक है, ये बातें आपको कॉमन है जो रोमन नंबर में पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो सी इज 100 एंड डी फॉर 500। क्लियर है, ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो इसको मैंने आपको बताया था 10 है, ये 10, 20 हो गया, ये क्या हो गया 25 और ये कितना बन गया 26। ठीक है, सो इसी तरह से लास्ट ये पार्ट देखो, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 10, 10, 10, 30 हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 9 है ये, तो ये क्या बन गया, 39 बन गया। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या है, 10 और ये भी कितना है 10 और ये भी कितना है 10, 30 हो गया, 30 के बाद 1, 2, 3, 30 plus 3, 33, तो मैंने यहाँ 33 राइट कर रखा है। ठीक है, इस तरह से ये रोमन नंबर्स हैं आपके। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रोमन नूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको नंबर्स गिवन है, आपको यहाँ नूमरल्स बनाने हैं। सपोज जैसे आपके पास क्या गिवन है, 22 गिवन है, 22, 10 and 10, 20 हो गया, 1, 2, तो ये कितना बन गया आपका, 22 बन गया। लाइक 58 है आपका, 58 को आप कैसे लिखोगे, मैंने बताया आपको एल को क्या लिखते हैं हम, 50 लिखते हैं, और ये क्या है 5, 55 हो गया, 6, 7, 8 क्या बन गया, 58 बन गया आपका। क्लियर है, जैसे आपके पास 40 है, ठीक है, सपोज आपको 40 लिखना है, सो आप 40 कैसे लिखेंगे, ये क्या होता है आपका 50 है, और यहाँ 10 हमने कम कर दिया लेफ्ट साइड में, जब हम लिखते हैं मीन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी हमने MCQs में इसको देखा था, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। आपको यहाँ क्या गिवन है, 7, ये इस तरह से गिवन है, प्लस डैश, और यहाँ फॉर्म क्या हो रहा है, ठीक है,
तो ये क्या लिखा हुआ है, सेवन। सेवन में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? यस, क्या है ये, 10 एंड 4 14। सो 14 मिल रहा है, तो सेवन में हम ऐसा क्या ऐड करें 14 मिल जाए? मीन्स हमें 7 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। हमें पता है जब हम इसको काउंटिंग फॉर्म में देखते हैं, अब इसको रोमन नंबर्स में भी हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, 7 फिल कर देंगे। दिस इज आर आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, थर्ड प्लस डैश इज इक्वल्स टू 4। सो 1। अब यहाँ एक केस जी पार्ट देखेंगे। जी पार्ट में क्या है, यहाँ पे 21 गिवन है। 21 में से क्या हम माइनस करें कि हमें क्या मिल जाए? देखो इसको, नंबर को रीड करके देखो, 10 15 16 17 18। तो हमें 18 मिलना चाहिए। हम 21 में से ऐसा क्या माइनस करें? सो वी नो दैट हमें क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। सो आंसर इज 3 इन रोमन। ठीक है, रोमन सिस्टम में हम ऐसे 3 लिख देते हैं। सो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। एंड 6th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम कैसा है अब ये, उसमें तो देखो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताना था कि क्या करें, फिलअप की फॉर्म में था। ये फिलअप की फॉर्म में ऐसा गिवन है, देखो आपको ये नंबर गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स ये 20 है। अब एक इससे बिफोर, एक इससे आफ्टर, ये हमें बताना है। ये कौन सा केस है, बिफोर वाला केस है, जैसे आप छोटी क्लासेस में क्या करते आए थे, व्हाट कम्स बिफोर। और ये कौन सा केस है यहाँ हमारे पास, आफ्टर वाला। ठीक है, सो 20 से पहले क्या आता है, 19, दैट मीन्स 10 एंड ये 9 हो गया 19। अब 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल है ये क्वेश्चन, आप करके आए हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, आपको अब रोमन नंबर्स में लिख के दिखाना है। ठीक है, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। डू प्रैक्टिस, फिल योर बुक विद डेट एंड डे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट एंड डे, देन यू विल स्टार्ट योर वर्क। क्लियर, एक्सरसाइज 3.1 आपको बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी। ओके, सो यूज लाइट पेंसिल वाइल राइटिंग योर वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।